दोस्तों, एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि लॉरेंस के शूटर के बाद अब बिश्नोई समाज से नदीम खान के पास एक फोन आया है। बाकी पूरी बातचीत क्या हुई है आप खुद ही सुन लीजिए और देख लीजिए। बाकी दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट में ये जरूर ही बताना कि क्या आप लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं या फिर नदीम खान के। हेलो नदीम। हाँ नदीम, कैसे हो? एकदम फाइन। तो क्या यार, बिश्नोई समाज कर रहे हो? सर, मैंने आपको पहले भी बोला कि बिश्नोई समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपने पहले तो लॉरेंस का नाम लिया, लॉरेंस बिश्नोई, बाद में कहा बिश्नोई साला बिश्नोई को ठोक दूंगा, ऐसे बोला आपने। बिश्नोई अगर बम्बई में बाबा सिद्दीकी को ठोक सकता है, कौन? लॉरेंस। सुनिए ना अरे सर, एक काम देखिए, मेरी बात को समझो आप। लॉरेंस का सरनेम क्या है पहले मुझे बताइए। चलिए आप बताइए। सरनेम बिश्नोई। तो फिर उसका पूरा मीडिया लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है। आप लोग एक काम ये क्यों नहीं करते कि लॉरेंस का नाम लाओ, बिश्नोई समाज का नाम क्यों ला रहे? बिश्नोई सरनेम काटो ना बिश्नोई सरनेम। आपने पहले लॉरेंस बिश्नोई बोल के बाद में लॉरेंस का नाम बोलना बंद कर दिया, बिश्नोई समाज को टारगेट किया। आपकी ऐसी सोच है कि मैं बिश्नोई समाज को टारगेट कर लूंगा? बिश्नोई समाज ने हमारा क्या बिगाड़ा जो हम टारगेट करेंगे? चले बताइए। तो वही बात है, हमने आपका कोई बिगाड़ा नहीं, लॉरेंस ने आपका बिगाड़ा। कुछ लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, बस ये जानना चाहता हूँ। बाबा सिद्दीकी को मारा कि नहीं मारा, पर जाके उसे निकली जेल में कि भाई आपने मारा नहीं मारा, ऐसे बाहर बैठे कोई भी कहते मैं सिद्दीकी को बाबा को मारा है, ठीक है ना? जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप हम लॉरेंस बोलते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई मीडिया लगाती है, तो मेरे मुंह से भी लॉरेंस बिश्नोई निकलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलता। दूसरी बात, बराबर है ना, बिश्नोई समाज से तो हमारा कुछ है नहीं, इतना करेक्ट समाज है आपका। अगर आपका बिश्नोई समाज का अगर दिल दुखा है तो मैं आपके समाज से माफी मांगूंगा, मैं लॉरेंस से नहीं माफी मांगूंगा, क्योंकि लॉरेंस लॉरेंस से नहीं कह रहा माफी मांगूंगा। बराबर, ठीक है ना? हाँ, ऐसा है, देखो लॉरेंस से मदर लॉरेंस ने किया नहीं किया, ऐसे ये कोई कुछ भी फेसबुक पर लिख पर भेज देता है कि लॉरेंस ने जिम्मेदार ली। अब गंभो यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ कि फलाने जिम्मेदारी ली, अब वो लीक हो उसने कांड किया नहीं किया, ऐसी बात है। बहुत सही कहे आपने। क्या काका नाम? काका जी है ना, एजेंट लग रहे हैं मुझे। आपकी उम्र कितनी है? 45। हाँ एजेंट है थोड़ा सा। तो काका सर, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, इस वक्त है ना लॉरेंस को है ना बहुत हिम्मत करनी चाहिए, लॉरेंस को न्यूज में बोलना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर हमने नहीं किया है, जिससे है ना पूरे बिश्नोई समाज का नाम आ रहा है। बात समझ रहे? लॉरेंस बिश्नोई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लॉरेंस सामने क्यों नहीं आ रहे? गुस्सा इस बात का है, सुनिए ना सर, गुस्सा इस बात का है कि लॉरेंस बोलता है मैं गौशाला बाहर निकल के करना चाहता हूँ। क्या बोलता है? गौशाला बनाना चाहता हूँ। फिर बाद में अंदर से वो गुंडागर्दी करता है, गोली मरवाता है, तो बाहर निकल के निकलेगा कैसे? अरे वही तो छोड़ो, आपके भाई आप कह रहे थे वो बोलते है कि नहीं उसके पास जब अब साला मैंने उसकी तारीफ कर दी। सुनिए, मैंने तारीफ क्या की थी कि भाई एक इंटरव्यू सुना, लॉरेंस ये कहता है कि मैं बाहर निकल के ऐसा है, और लॉरेंस ने अभी तक इसकी जवाबदारी नहीं ली। लॉरेंस एक मर्द का बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान और सच्चा है, मैंने तारीफ कर दी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो गलत किया है क्या काका, मेरे को ये बताइए। आप एक बिश्नोई समाज है ना, तो आपसे तो पूछूंगा ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? हमारा भी एक बनता है। देखो आप मुसलमान कोई सब मुसलमान खराब थोड़ी होते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अगर बिश्नोई समाज अगर मेरी बातों से कोई फेंस पहुंची है तो मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन लॉरेंस ने अगर खुलासा नहीं किया तो एक बाबा सिद्दीकी की हत्या एक पहेली बन के रह जाएगी और वो पहेली की तरह ही चलेगी। लॉरेंस का ही नाम होगा। सुनो आप ऐसे करो, मीडिया वालों को बोलो कि इंटरव्यू ले उनका। इंटरव्यू मैं बोल रहा हूँ ना मीडिया वाले को, मैं लॉरेंस के मीडिया के माध्यम से मैं लॉरेंस को कहना चाहता हूँ कि तुम मीडिया के सामने आ, हम इंटरव्यू वाले से बात कर रहे हैं, मेरे को बात करना है लॉरेंस से डायरेक्ट। जो इतना अभी DNA टीवी वाले ने डाला कि ये भी ठाई ठाई फिस हो गए नदीम। अरे भाई लॉरेंस सामने बात करे तो सामने आवे ना।
अभी मैं खुद मुंगा लग मुलाकात, मैं सोच रहा हूँ उसकी मुलाकात डलवाऊ, अगर मुझे अनुमति दी जाए, अगर मुझे उसके मुलाकात की अनुमति दी जाए तो मैं लॉरेंस से खुद बात करूँ। कौन सी अनुमति? लो नहीं देंगे ना, अनुमति मैं मांगूंगा। अनुमति का कल कल मैं मेरे एडवोकेट से बात करके कि लॉरेंस से, लेकिन उसके लिए ना देखिए पुलिस 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 प्रशासन, पुलिस प्रशासन अनुमति मांग रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन को नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा? जोगिंदर पटियाला ने पहले एंट्री लिया था ना? हाँ। उसके ऊपर केस हुआ था? जी। हुआ नहीं हुआ? हाँ तो होएगा ही ना, लेकिन एक कोर्ट से अनुमति लेकर के देंगे ना भाई। जेल से आप एंट्री नहीं ले सकते हो? अरे अरे, कोर्ट से अनुमति तो ले सकते हो बात करने की। हाँ बिल्कुल ये ले सकते हो। भाई इसको क्लियरेंस तो दो कि ये किया है नहीं किया है। हाँ। है क्या नहीं? और दूसरा एक बात, काका जी आपका नाम मैं भूल गया, नाम लेकर के सेव करना। नाम शैतान बिश्नोई। शैतान बिश्नोई? शैतान बिश्नोई काका, मैं आपका नंबर सेव कर देता हूँ। बिल्कुल आराम से सर। जी, और मैं इसे लाइव करूंगा क्योंकि आपने एक समाज की अच्छी बात कही है, और मैं पूरे लाइव में कहना चाहूंगा कि शैतान बिश्नोई साहब ने हमसे बात की, और बात करने पे ये है कि मेरा बिश्नोई समाज से कोई बैर नहीं, बिश्नोई समाज हमारे भाई है। और काका के सामने, क्या नाम है काका आपका? शैतान शैतान बिश्नोई काका, जो राजस्थान के, नहीं राजस्थान के, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान के। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शैतान बिश्नोई साहब जो मुझसे बात करके कहे कि भाई इसमें बिश्नोई समाज का कोई लेना देना नहीं है, लॉरेंस का है, लॉरेंस से बात करे कोर्ट की अनुमति। तो हम कह रहे हैं वो लॉरेंस जाने, सलमान जाने, सिद्दीकी जाने, उसने अपना, हमारा कोई चीज नहीं, समाज का रोल भरी हमने थोड़ी कहा था पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लोग कह रहे हैं कि मैं बिश्नोइयों से डर गया, लोग कह रहे हैं मैं लॉरेंस से डर गया। डर कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो बूटे आ रहा है, इसका पिताजी सलमान झूठ बोल रहा है कि मेरे बेटे ने हिरण नहीं मारा, तो वो सजा किस बात की? आपको, आप ही मेरे से उम्र दराज हो ना। जी मैं तो हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर सलमान खान ने नहीं मारा है तो फिर सजा क्यों दी? कोर्ट पागल नहीं होती। हाँ तो वही बात है, बिना अपराध किए तो किसी की सजा थोड़ी होती। नहीं नहीं होती, अपराध तो हुआ है, वहाँ अपराध होने के बाद ये हुआ। हाँ तो वो तो लॉरेंस का उसका मैटर है, सलमान के आपस माफी मांग ले तो बात खत्म। हम तो इसलिए समाज यही चाहता है कि माफी मांग ले, बस बात खत्म, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं भाई। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत, एक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या मामला चलता है? शैतान सिंह राजपूत कहाँ का? यही राजस्थान का। शैतान सिंह राजपूत नहीं है? ऐसा नहीं है ना, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह। ठीक है कोई बात नहीं, तो बस आपको भेजता हूँ, प्रूफ भेजता हूँ, वो आप पढ़िए, उसकी पत्नी बोल रही है कि लॉरेंस ने नहीं मरवाया है। पक्का? उनकी पत्नी कह रही है कि लॉरेंस ने नहीं मरा है? लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी? हाँ बिल्कुल, प्रूफ भेज रहा हूँ आपके पास। प्रूफ भेजिए ना काका जी, बिल्कुल प्रूफ भेजिए। हाँ बिल्कुल, आपको अभी जस्ट भेजता हूँ। अभी जस्ट भेजिए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा काका। बिल्कुल। और लॉरेंस बिश्नोई की जो वाइफ है वो मेरी बहन है, मेरी बच्ची टाइप है। लॉरेंस के कोई भाई भाई नहीं, वो तो शादीशुदा ही नहीं है, सलमान जैसा ही है। तो फिर किसकी वाइफ बोल रही है? सुखदेव घोगा मेरी जो हत्या हुई थी सुखदेव की। अच्छा अच्छा, सुखदेव की हत्या जो हुई थी, बराबर। हाँ सुखदेव सिंह करणी सेना का अध्यक्ष था ना। अच्छा, उनकी जो करणी सेना का अध्यक्ष भेजिए ना जरा। वो बोल रहा है एक करणी सेना का, अब इसमें दो के बीच में लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो एक तो बोल रहा है हत्या लॉरेंस ने करवाई है, एक उसकी और तो नहीं, दूसरी बोल रही है इसने नहीं करवाई, अभी तक नाम नहीं आया। अच्छा जरा मेरे को भेजिए, जरा प्रूफ भेजिएगा ना, ना ना, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, ओके 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 ओके।